आप? तो फ्रेंड्स, आज हम आए हुए हैं पटना का चिड़ियाघर, और आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर है पटना जू, और आप देख सकते हैं यहाँ मेन गेट है, और आपको इसके अंदर जाने के लिए आपको पहले 40 रुपये का टिकट लगता है, फिर आप पटना जू के अंदर जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पटना जू का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। आप पहली बार आएंगे तो आपको मेन गेट का नज़ारा कुछ इस प्रकार लगेगा। आप देख सकते हैं सामने से कैसा है, और इसके अंदर जाने के लिए आपको लगेगा 40 रुपये का टिकट। तो चलिए हम चलते हैं पटना जू के अंदर। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग वीडियो में। आज हम आए हुए हैं पटना का चिड़ियाघर, और आपको हम दिखाते हैं हमारे पीछे जो है कि चिड़ियाघर है। तो चलिए अब हम चलते हैं चिड़ियाघर की ओर, और आप सबको हम चिड़ियाघर घुराते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ का जो दृश्य है काफ़ी सुंदर है, और यहाँ पर है चिड़ियाघर, आप देख सकते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम अभी जा रहे हैं चिड़ियाघर, और आपको हम यहाँ का दिखाएँ नज़ारा। यह है शेर, जो जंगल का राजा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप पहली बार अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपको जंगल के राजा शेर से मुलाकात होगी, और आप देख सकते हैं शेर अभी सोया हुआ है, और उसके नीचे उसका भोजन भी है। तो फाइनली फ्रेंड्स, चलिए हम अब आगे चलते हैं। और तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा बाघ। तो आप देख सकते हैं यह है बाघ, और यह काफ़ी मोटा तगड़ा और फुर्तीला होता है, आप देख सकते हैं। और इसको जो है कि खाने के लिए भी दिया गया है, आप देख सकते हैं इसको किस प्रकार। यह जो है कि काफ़ी मोटा तगड़ा है, और देखने में देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है टाइगर। और आप देख सकते हैं ऊपर में आपको बगल में एक और टाइगर मिलेगा, जो कि वाइट टाइगर है, वह आपको यहाँ पे देख सकते हैं। यह है वाइट टाइगर, और आप देख सकते हैं वह पिंजरे में बंद है, क्योंकि यह आपस में लड़ ना जाए, इसी कारण उसे बंद किया गया है। तो फाइनली आप देख सकते हैं यह बाघ किस प्रकार टहल रहे हैं, और इसको जो कि खाने पीने की सुविधा इसी में दी जाती है फ्रेंड्स। और फाइनली आप देख सकते हैं बाघ किस प्रकार धीरे धीरे अपने कदमों में बढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ का कुछ नज़ारा। तो चलिए हम आगे चलते हैं, और आगे आप देख सकते हैं यह है भालू। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यह है भालू, और यह जो है कि मिट्टी कुरेद कुरेद कर देखिए कितना बड़ा गड्ढा कर दिया। और फाइनली आगे चलते हैं, और यह देखिए यह है नीलगाय, और काफ़ी मात्रा में आपको यहाँ पे देखिए नीलगाय देखने के लिए मिलेगा, और आप देख सकते हैं आसपास यह है नीलगाय। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको दिखाते हैं पास से नीलगाय का नज़ारा, और इसमें बहुत सारे नीलगाय है। तो ये देखिए यह है नीलगाय, काफ़ी सुंदर है देखने में। और चलिए आगे, यह है राष्ट्रीय पक्षी मोर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे मोर के बारे में, और आपने पढ़ा भी होगा। तो आप देखिए मोर का कितना सुंदर लग रहा है, और यह है काला मोर, आप देख सकते हैं यहाँ दो तरह के मोर हैं, और काला मोर भी है। तो चलिए हम चलते हैं आगे, और यह है बत्तख। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बत्तख का नज़ारा, और यह भी अपने आप में काफ़ी सुंदर है, और देखने में देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यह है काला बत्तख। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे और भी आपको दिखाते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम आगे की ओर चलते हैं, और ये आप देख सकते हैं यह कछुआ है, और आप सभी इनको जानते होंगे, देखिए कछुआ कितना सुंदर लगता है। तो फाइनली फ्रेंड्स, आ गए हमारे, तो आप देख सकते हैं अधिकतर इसको किताबों में आप देखे होंगे, यह है जेब्रा, देखिए कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। जेब्रा देखने में काफ़ी सुंदर है, और आकर्षित भी करता है, काफ़ी
अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलिए हम आगे की ओर चलते हैं और यह है दरियारी घोड़ा। देखिए यह एक शिला के तरह लगता है और यह दरियारी घोड़ा है और पानी में ही रहता है और सिर्फ इसका सिर्फ पीठ नज़र आ रहा है। तो चलिए हम आगे आपको इसका मुख भी दिखाते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं पानी कितना गंदा है और इसी में यह रहता है। यह है दरियारी घोड़ा और इसका हम सिर भी आपको दिखा दिए। देखिए यहाँ पर इसका सिर निकला हुआ है और कभी भी आपको घूमते घूमते भूख लग जाए तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। और अब आ तो यह है जिराफ और आप ये देख सकते हैं यह काफ़ी लंबा होता है जिराफ। आप देख सकते हैं इसका जो मुख है काफ़ी लंबा है और इसको खाने के लिए जो दिया गया है वह भी काफ़ी लंबा बनाया गया है क्योंकि इसका सिर काफ़ी ऊंचा होता है। और आप देख सकते हैं वीडियो में आपको कितना लंबा लंबा इसका सूंड दिखाई पड़ रहा है, काफ़ी लंबा होता है फ्रेंड्स यह जिराफ जो है कि काफ़ी लंबा है। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं, यह है गैंडा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यह गैंडा है, हम आपको दिखा रहे हैं। गैंडा काफ़ी मोटा और इसकी जो है कि चमड़ी काफ़ी सख्त होती है फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं किस प्रकार यह गैंडे शिरकत कर रहे हैं और देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं यहाँ देसी मुर्गा, कई तरह का मुर्गा है यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मुर्गा ही मुर्गा है, आपको दिखा दें। तो फ्रेंड्स आपको यह जो देख रहे हैं यह है शुतुरमुर्ग, यह भी काफ़ी ऊंचा और लंबा होता है। आप देख सकते हैं वीडियो में काफ़ी ऊंचा है और यह शुतुरमुर्ग है। तो फ्रेंड्स यहां का जो नज़ारा है काफ़ी सुंदर है और देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। देखिए हमारे पीछे यह जो हाथी है और तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यह है हाथी, काफ़ी सुंदर है देखने में। दो हाथी है और देख सकते हैं और मौसम का भी हाल काफ़ी बुरा है। तो आप देख सकते हैं हाथी हम आपको दिखाते हैं, काफ़ी सुंदर है फ्रेंड्स। तो आप तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं स्नेक और घर और यहाँ पे आप देख सकते हैं यह अजगर है और अजगर को खाने के लिए यहाँ देखिए मुर्गा दिया गया है, वह अजगर का भोजन है। और यहाँ पे कई तरह के आपको सांप देखने के लिए मिलेगा और हर एक सांप का आपको नाम भी आपको यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, आप यहां पे पढ़ सकते हैं। तो यहां का जो दृश्य है काफ़ी सुंदर है और आप देख सकते हैं यहां का नज़ारा। और यह देखिए कोबरा है, देखने में काफ़ी सुंदर है और यहां जो है कि कोबरा बैठा हुआ है, इसके लिए जो कि बनाया गया है काफ़ी सुंदर। और आगे जो है कि शीशा लगाया गया है क्योंकि इसको देखने में परेशानी ना हो, तो इस शीशा से आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर आपको देखिए हर सांप का जो है कि यहाँ पे आपको नाम देखने के लिए मिलेगा। और यह जो है कि काफ़ी बड़ा है स्नेक घर, जो है कि काफ़ी बड़ा है। आप यहाँ पे हर एक सांप आप हर एक देख सकते हैं और हर एक का नाम भी आप जान सकते हैं और देखने में भी यहाँ काफ़ी सुंदर है। तरह तरह के यहाँ पे सांप आपको मिलेंगे और यह पटना के चिड़ियाघर में ही आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर आप बिहार से हैं तो आप पटना एक बार ज़रूर आएंगे और पटना आते हैं तो चिड़ियाघर ज़रूर घूमिएगा, क्योंकि चिड़ियाघर के नज़ारा आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कैसा सांप, काफ़ी अद्भुत है, देखने में भी काफ़ी सुंदर है। और यहाँ पे यह है अजगर, आप देख सकते हैं अजगर कितना मोटा और तगड़ा है, काफ़ी मोटा है फ्रेंड्स अजगर, दिखने में काफ़ी भयंकर लग रहा है और अभी यह सोया हुआ है। तो चलिए हम आगे भी दिखाते हैं और यह भी है अजगर। यहाँ अजगर की प्रजाति बहुत तरह की है और ढेरों सारे आपको यहाँ पे अजगर मिलेंगे। तो आपको वो बता दें और यह है आप यहाँ पे जो है कि बोटिंग कर सकते हैं, पटना के चिड़ियाघर में आप यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं और बोटिंग का किराया आपको देना पड़ेगा और आप इसमें बोटिंग कर सकते हैं। और काफ़ी सुंदर यहाँ का नज़ारा है, आसपास में फूल लगे हुए हैं, कमल फूल है, आप इसमें जो है कि बोटिंग करके इसका आनंद ले सकते हैं, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पास में ही बोटिंग हो रही और ये आपको पटना के चिड़ियाघर में आपको प्लेन देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए यह छोटा सा प्लेन आपको मिलेगा वहाँ पटना के चिड़ियाघर में, आप देख सकते हैं यह है छोटा सा प्लेन। और यहाँ बहुत सारे बच्चे देख सकते हैं, हमारे पीछे बहुत सारे स्कूल के बच्चे हैं और सभी जा रहे हैं अभी वहाँ चिड़ियाघर घूमने के लिए, देख सकते हैं।
फोटो खींचने हम लोग।